आज वर्षा के कारण जो आवाज होती रही है खूब जोर जोर की, इसलिए आज थोड़ा कंठ पर भी जोर पड़ा है। आज की कथा यही विश्राम ले रही है और अब आगे श्री चंद्र वंश की कथा होगी। सूर्य वंश में सूर्य वंश विभूषण राजा रामचंद्र के रूप में प्रभु प्रकट हुए और चंद्र वंश में चंद्र वंश विभूषण श्री कृष्ण चंद्र प्रभु के रूप में सायंकाल कन्हैया जी की प्राकट्य बधाई और बाल लीला का वर्णन होगा। पड़ोस वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे से श्री वृंदावन धाम में समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय कथा सत्र श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का अष्टम दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने नवम स्कंध में 13 अध्याय तक श्री सूर्य वंश का वर्णन सुना। अब चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। अथातः श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन् नैलादयो भूपात कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। हे राजन, अब आप अत्यंत पावन चंद्र वंश का वर्णन सुने जिसमें ऐल इत्यादि बड़े पुण्यकीर्ति राजा लोग हुए। सूर्य वंश की परंपरा दी थी आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र वैवस्वान सूर्य, उनके वैवस्वत मनु, उनके इक्ष्वाकु इत्यादि, और उसी वंश में श्री राम जी का भी चरित्र आप लोगों ने सुना। अब चंद्र वंश की परंपरा बताते समय कहते हैं आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में दूसरे का नाम है अत्रि। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया हुई जिन्हें जगत जानता है। अनसुईया जी के 3 पुत्र हुए विष्णु भगवान के अंश से श्री दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा जी के अंश से श्री चंद्रमा जी एवं शंकर भगवान के अंश से श्री दुर्वासा जी। इनमें से जो ब्रह्मा जी के अंश से समुत्पन्न चंद्रमा है, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, जिन बुध का विवाह वैवस्वत मनु की कन्या इला के साथ हुआ था, कल आप सुन चुके हैं। इला पहले कन्या रूप में थी, फिर वशिष्ठ जी के द्वारा ब्रह्मा जी से आग्रह करके पुत्र रूप में परिणत कराई गई सुद्युम्न नाम के राजकुमार। सुद्युम्न नाम के राजकुमार पुनः शंकर जी के द्वारा शापित वन में पहुंच करके पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त करके इला नाम पाए। उसी इला के साथ चंद्रमा के पुत्र बुध का विवाह हुआ, जिनसे ऐल अर्थात पुरूरवा नाम के पुत्र का जन्म हुआ। पूर्वा की पत्नी के रूप में कुछ दिनों तक उर्वशी आकर के इनके राजमहल में रही।
उर्वशी को जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है, इस पृथ्वी पर आने की जरूरत क्यों पड़ी मानवी के रूप में रहने की। एक बार इसने मित्रा वरुण को पृथ्वी का मानव कह करके भर्त्सना की थी, उन्होंने शाप दिया था, हमें पृथ्वी का मानव कह करके तू हमारी भर्त्सना कर रही है, इसलिए तुम्हें भी कुछ दिनों तक मानवी के रूप में धरती पर रहना पड़ेगा, इसीलिए ये आकर के कुछ दिनों तक श्री पुरुरवा की पत्नी के रूप में रही। फिर जब साप निवृत्त हो गया तो ये अपने लोक को चली गई। श्री पुरुरवा जी ने इसके प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण गंधर्वों की बताई हुई विधि से जातवेदा नाम की अग्नि प्रकट करके अनुष्ठान किया उर्वशी के लोक को प्राप्त करने के लिए। किंतु जब इनको उर्वशी के लोक में पहुंचने पर पता चला कि उर्वशी तो स्वर्ग की अप्सरा है जो किसी एक की होकर रहने वाली नहीं है, इनको बड़ी ग्लानी हुई कि अरे राम राम, इसके लिए मैंने इतना अनुष्ठान किया, उर्वशी कोई भगवान है जो ये मेरा भवबंधन छुड़ा देगी। इतना अनुष्ठान और इतनी साधना अगर मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए की होती तो अब तक मेरा भवबंधन छूट गया होता। फिर उर्वशी के लोक का परित्याग करके और ये स्वच्छंद विचरण करने लग गए, आत्माराम स्थिति प्राप्त कर गए। जितने दिन तक उर्वशी इनके यहाँ रही है उतने दिनों में इन्होंने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए, आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय। इनमें विजय के वंश में आगे चल करके कुश नाम के राजा हुए जिनके 4 पुत्र थे, कुशाम्बु तनय वसु और कुशनाभ। इसमें कुशाम्बु के पुत्र हुए राजा गाधी। इन गाधी राजा के ही पुत्र आगे चल करके श्री विश्वामित्र जी हुए, चंद्रवंश की ही एक शाखा है। अभी विश्वामित्र जी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय गाधी राजा को केवल सत्यवती नाम की एक कन्या थी। भृगुवंशी ऋचिक ऋषि ने आकर दावा कर दिया अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो। राजा गाधी ने शर्त लगाई, 1000 श्याम कर्ण घोड़ा आप उपस्थित कर दें मेरे सामने तो अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। वरुण देवता से आग्रह करके श्री ऋचिक ऋषि ने 1000 श्याम कर्ण घोड़ा ला करके उपस्थित कर दिए और लाचार होकर के गाधी राजा को अपनी बेटी सत्यवती का विवाह श्री ऋचिक ऋषि के साथ करना पड़ा। ऋचिक ऋषि सत्यवती की सेवा से प्रसन्न होकर बोले कि बोलो देवी क्या चाहती हो। सत्यवती ने कहा कि मेरे भी पुत्र हो और मेरी माँ को भी पुत्र हो, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है। तो ऋचिक ऋषि ने 2 तरह की चरु अभिमंत्रित करके दे दी, कहा कि ये तुम खा लेना, ये अपनी माँ को दे देना। उनमें से एक ब्राह्मण मंत्र से अभिमंत्रित थी, एक छात्र मंत्र से अभिमंत्रित थी। इन्हें चाहिए था अपनी वाली चरु तो ग्रहण कर लेती और माँ वाली माँ के पास पहुंचा देती। भोलेपन में दोनों लेकर माँ के पास चली गई कि माँ ये मेरे लिए दिया है, ये तेरे लिए दिया है। माँ ने कहा कि बेटी अपनी वाली मुझे दे दे, मेरी वाली तू खा ले। ऐसा ही किया गया। जब ऋचिक ऋषि को मालूम हुआ इस उलट फेर के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो गया। अब इसका परिणाम ये होगा कि भले तू ऋषि पत्नी है लेकिन तेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वो छात्र कर्म करने वाला हो जाएगा, और तेरी माँ के जो पुत्र होगा वो चूंकि वो चरु ब्राह्मण मंत्र से मंत्रित थी, भले वो राजा के घर में पैदा होगा लेकिन वो ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला हो जाएगा। सत्यवती ने कहा कि
गलती मेरी माँ की है, उसको चाहे जैसा पुत्र हो जो भी करे, मेरे गर्भ से तो आपके स्वरूप के अनुरूप ब्राह्मणोचित संस्कार वाला ही पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो पुनः दूसरी चरु इन्होंने अभिमंत्रित करके दी और कहा कि इस चरु को ग्रहण करो, तुम्हारी पहले वाली चरु तुम्हारे पुत्र के भीतर आ जाएगी, तुम्हारा पुत्र इस द्वितीय चरु के प्रभाव से ब्राह्मणोचित संस्कार वाला होगा, लेकिन पहले वाली चरु तुम्हारे पुत्र के भीतर निहित रहेगी, उसका पुत्र जो होगा वो क्षात्र कर्म करने वाला होगा। इसी के कारण सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र हुए ऋचिक जी के, उनका नाम हुआ जमदग्नि, ये तो ब्राह्मणोचित संस्कार वाले हुए, लेकिन जमदग्नि के पुत्र जो हुए वो छात्र कर्म करने वाले हो गए, श्री परशुराम जी महाराज। ये परशुराम जी 24 अवतार में से एक हैं। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की। श्री हरे नमः। अब आगे वर्णन करते हैं कि एक बार श्री परशुराम जी के घर में एक घटना घटी। इनकी माता रेणुका देवी, परशुराम जी की माता रेणुका देवी, ये गंगा के किनारे गई थी गंगा जल लाने के लिए। सो श्री हरे नमः। इससे पहले एक और घटना घटी थी इनके यहाँ। चंद्रवंश की ही एक शाखा हयहय वंश है। हयहय वंश के एक राजा अर्जुन, जिसको 1000 हाथ थे इसलिए उसको सहस्रबाहु अथवा सहस्र अर्जुन भी कहा जाता है, वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। अपनी कामधेनु गऊ के प्रभाव से उसकी सेना सहित उसका राजोचित सत्कार किया श्री जमदग्नि ऋषि ने। उसे आश्चर्य हुआ कि एक झोपड़ी में रहने वाला ऋषि ये सोने चांदी के थाल कटोरे और ऐसे ऐसे राजाओं के लिए भी दुर्लभ व्यंजन कहाँ से लाया। मालूम हुआ इनके पास एक कामधेनु गऊ है, उससे जो मनोरथ करो उसकी पूर्ति करती है। सहस्रार्जुन को लालच हो गया उस कामधेनु गऊ के प्रति, कहा कि ये गऊ मुझे दे दीजिए। जमदग्नि ऋषि ने इनकार कर दिया। ये केवल दुहने और मांगने के लिए ही नहीं है, इनके दुग्ध और इनके घृत से जो हम लोग अग्निहोत्र इत्यादि का नियम निभाते हैं वो तुम नहीं निभा सकोगे। फिर भी उसने कहा कि हमारा मन हो गया है तो हम तो इसको ले जाएंगे, दो चाहे नहीं दो। जबरदस्ती छीन करके वो कामधेनु गऊ को लेकर के वो सहस्रार्जुन भागने लगा। श्री जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्र परशुराम को पुकारा, बेटे देखो ये राजा सहस्रार्जुन तुम्हारी कामधेनु गऊ को लेकर के भाग रहा है। परशुराम जी ने जाकर उसे टोका रोका, तुम राजा लोग हो, प्रजा की संपत्ति की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, आज किसी की गऊ किसी की फिर कल बहू बेटी छीन के भागोगे तो तुम राजा नहीं तुम डाकू डकैत कहलाओगे, राजा के धर्म के विपरीत तुम कर रहे हो, गाय छोड़ दो। उसने कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा कि परशुराम जी बोले मैं जाने नहीं दूंगा, बातें बात करख बढ़ी आई, युद्ध छिड़ गया। उसने अपनी सेना हाँक दी मारो इस बाबा जी को। उसको पता नहीं था कि ये भगवत अवतार है। श्री परशुराम जी ने अपने दिव्यास्त्रों से उसकी सेना का संहार कर दिया और फिर उसके 1000 में से 500 हाथों में उसने धनुष लिया और 500 हाथों में बाण, और एक एक साथ 500-500 बाण फेंकता था परशुराम जी के ऊपर। लेकिन परशुराम जी ने अपने दिव्यास्त्रों से उसके बाणों को तो काटा, धनुष को काटा, उसकी भुजाओं को अपने फरसा से काट करके और जैसे लकड़हारा नीम और बबूल की टहनियों को छांट करके ठूठ कर देता है ऐसे उसकी भुजाओं को काट डाला और उसका गर्दन काट करके उसको सदा के लिए धराशायी कर दिया।
और अपनी गऊ वापस ले आए। इसकी चर्चा श्री परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से करी है रामचरितमानस में। सहस बाह भुज छेद निहारा परश विलोक महीप कुमारा। श्री हरे नमः। जब गाय वापस लेकर के आए तो जमदग्नि ऋषि ने पूछा कि बेटा कैसे लाए और कैसे लाए। उसे मार करके लाए। अरे जान से मार डाला और क्या, ऐसे छोड़ने वाला था थोड़े। बेटा तुमने तो पाप किया है। राम राम महाबाहो भगवान पापमकार्षित अवधिन नरदेवम यत् सरदेवमयम था। राजा के अंग अंग में देवताओं का निवास होता है। राजा की हत्या करके तुमने पाप किया है। वयम ही ब्राह्मणास्तात क्षमयाहणताम गता यया लोक गुरुदेव पारमेष्ठ मगात पदम। हम ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों में इतनी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण क्षमा से पूजित होता है। तुमने अच्छा नहीं किया। परशुराम जी बोले कि पिताजी ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में राजा रहा होगा, मेरी दृष्टि में तो वो डाकू था। अरे राजा तो वह है जो प्रजा की रक्षा करे। आज प्रजा की किसी की ऋषि की गाय छीन करके ले जाए, कल किसी की बहू बेटी पर मन आ गया तो वो छीन के ले जाए, किसी की संपत्ति खजाना छीन ले जाए, ये राजा का काम है तो डाकू का काम है। मैंने तो एक डाकू समझ करके मारा था उसको, फिर भी आपके कथन के अनुसार यदि वो राजा है तो राजा के मारने पर जो पाप लगता है उसका जो भी प्रायश्चित हो बता दीजिए, मैं कर आऊंगा। कहा कि जाओ सब तीर्थ कर आओ। परशुराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा से लौटे तो इनके घर में एक दूसरी घटना घटी। श्री हरेनम एक वर्ष तक तीर्थ यात्रा में रहे श्री परशुराम जी। पित्रोप शिक्षितो रामस्तथे कुरुनंदन संवत्सरम तीर्थ यात्रा चरित्वाश्रम आवृजत। लौट आए तीर्थ यात्रा करके। तब इनके घर में एक दूसरी घटना घटी। इनकी माता रेणुका देवी गंगा जी में गई थी स्नान करके और गंगा जल लाने के लिए कि पतिदेव उस गंगा जल से प्रभु की सेवा करेंगे। वहाँ चित्ररथ नाम का गंधर्व राज अपनी गंधर्वियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था। उस गंधर्व देखने में भी बड़े सुंदर होते हैं और संगीतज्ञ भी अच्छे अच्छे होते हैं। वो गंधर्व ही नहीं, गंधर्वों का राजा था। अपनी गंधर्वियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। ये बहुत देर तक उसकी जल क्रीड़ा को मुग्ध दृष्टि से देखती रही। देर हो गई। लौटने पर श्री जमदग्नि ऋषि ने पूछा इतनी देर कैसे लगा ली। इन्होंने छिपाना चाहा, लेकिन ऋषि सर्वज्ञ समझ गए कि आज तो चित्ररथ गंधर्व नाम के एक पुरुष के सौंदर्य की ओर ये मुग्ध होकर नेत्रों से देखती रही। जिनका नेत्र पराये पुरुष पर जा सकता है, किसी दिन मन भी पराये पुरुष पर जाकर के कहीं तन से भी कुछ पाप न कर बैठे, इसलिए अपने पुत्रों को आज्ञा दी अपनी माँ को मार डालो। कोई मारने को तैयार नहीं हुए। अंत में परशुराम जी को बुलाया, बेटे इधर आ, तुम मेरे कौन हो। ताकि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ, आप मेरे पिता हैं, मेरे प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। आश्चर्य हुआ परशुराम जी को, आज पिताजी ऐसा ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं। अरे पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, बार बार क्या पूछ रहे हैं। कहा कि आज्ञा का पालन करोगे। कहा कि आज्ञा देकर देखिए। कहा कि अपनी मैया और अपने भैयाओं को मार करके खत्म कर दो, काट डालो, इनका गला काट दो। कहा कि अभी लीजिए, फरसा उठाया, सबको समाप्त कर दिया। आके चरणों में प्रणत हुए, बोले कि पिताजी आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। कहा कर दिया। अब कहा कि अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इन्होंने मांगा कि मेरी मैया और मेरे भैया सब जीवित हो जाएं। और मैंने इन्हें मारा था ये बात इन्हें याद में रहे। कहा कि बेटा तुमने पिता की आज्ञा का पालन रूप धर्म मातृ प्रेम भ्रातृ प्रेम सबको निभा लिया। इस घटना को गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में मानस में लिखा है कि परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम जी जानते थे कि हमारे पिताजी समर्थ सक्षम ऋषि हैं, ऐसे वैसे पिता नहीं है कि शराब पी करके आए और
अपने बेटे से कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, आज्ञा दे रहा हूँ, अपनी माँ को मार डालो। हाँ, हर पिता वास्तव में पिता कहलाने लायक, केवल जन्मदाता होने मात्र से ही पिता कहला जाएंगे नहीं, जिनकी आज्ञा का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है, वो पिता पितृत्व के सही लक्षण से संयुक्त हो। इस पर एक दृष्टांत एक संत सुनाया कर, गुरुजी महाराज जी श्री भक्तमाली जी सुनाया करते थे। काशी के एक प्राध्यापक भांग छानने की आदत थी, सो भंग छान के बैठे अपने शिष्यों के बीच में, पूछा मैं तुम्हारा कौन हूँ, कहा कि गुरुजी हो, तुम लोग कहा कि शिष्य, मेरे प्रति क्या कर्तव्य, कहा आपकी आज्ञा का पालन करना, कहा कि मैं आज्ञा दे रहा हूँ मुझे उठाकर गंगा जी में फेंक दो। कोई तैयार नहीं हुआ। अगले दिन पूछा कि गुरु तुम लोगों ने कल मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, कहा कि गुरु जी उस समय आप नहीं बोल रहे थे, उस समय भंग भवानी बोल रही थी, हम आपके शिष्य हैं, हम भंग के शिष्य नहीं है। तो ये नशे में ऐसा नहीं किए हैं श्री जमदग्नि जी। जब परशुराम जी ने आग्रह किया कि मेरी मरी हुई मैया और मेरे मरे हुए भैया सब जीवित हो जाए, जीवित हो कर दिया, ये मारने में और जिलाने में दोनों में सक्षम है। इसके बाद इनके घर में एक तीसरी घटना घटी। जिस सहस्रार्जुन को परशुराम जी ने मारा था, उस सहस्रार्जुन के बेटों ने कहा, परशुराम जी के सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ी, उनने निर्णय लिया कि परशुराम ने मेरे पिता को मारा तो मैं हम लोग परशुराम के पिता को मार डालेंगे। बेचारे जमदग्नि ऋषि अपने कुटिया में भजन कर रहे थे, उन अत्याचारियों ने आकर के पता नहीं लगाया कि मेरी पिताजी की गलती थी कि परशुराम की गलती थी, उन्होंने आकर के और जमदग्नि ऋषि का वध कर डाला। रेणुका हाय हाय करने लग गई, बेटा परशुराम देख तेरे रहते तेरे पिताजी का ये हाल किया इन दुष्टों ने। परशुराम जी ने कहा माँ छाती मत पीट, फिर भी 21 बार छाती पीटी, फिर रोक दिया, कहा कि देख अब ज्यादा मत छाती पीट, जितनी देर तुमको छाती पीटनी पड़ी है इन दुष्ट अत्याचारी क्षत्रियों के चलते, अब उतनी बार उन क्षत्रियों की पत्नियां छाती पीटेंगे। इतना ख्याल रखना होगा कि जो धर्म पालन करने वाले प्रजापालक राजा थे उनको नहीं छेड़ते थे, उनको तो आशीर्वाद देते थे, लेकिन प्रजा को सताने वाले दुष्ट क्षत्रिय जो थे उनको बोले छोड़ेंगे भी नहीं। सो उन दुष्टों को मारा और उसके बाद उनका पक्ष ले लेकर के जो लोग आए उनको मारते गए, उनके मस्तकों का पहाड़ खड़ा कर दिया, रक्त का कुंड तैयार कर दिया। माँ से कहा था माँ पिताजी के शरीर को सुरक्षित रखना, यज्ञ करके और फिर इन्होंने मरे हुए पिताजी को जीवित कर लिया। आने की जय, श्री परशुराम जी महाराज की, श्री जमदग्नि जी महाराज की। अभी तक परशुराम जी के पिताजी श्री जमदग्नि ऋषि जी, अभी वर्तमान के जो सप्त ऋषि मंडल हैं, उनमें 7 ऋषियों में एक है। जमदग्नि भरद्वाज विश्वामित्रोथ गौतम कश्यपा त्रिवशिष्ठ चैते सप्त ऋषि स्मृता। अब आगे वर्णन करते हैं कि सत्यवती के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र परशुराम ये तो हुए, इनकी कथा आपने सुनी। सत्यवती की माँ ने जो चरु खाई थी वो ब्राह्मण मंत्र से अभिमंत्रित, उसके प्रभाव से उनके गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ, वही है श्री विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी प्रकट तो हुए क्षत्रिय कुल में, लेकिन वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल को देखकर इन्हें ब्रह्मर्षि कहलाने की धुन सवार हो गई और इन्होंने बहुत बहुत प्रयत्न करके और ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया। क्यों ये धुन क्यों सवार हो गई, वो ब्राह्मण मंत्र से अभिमंत्रित चरु का वो मंत्र वाला प्रभाव कहाँ जाएगा। बाद बहुत बाद में श्री वशिष्ठ जी ने इनको ब्रह्मर्षि कह करके संबोधन किया। कब, जब तक इनमें क्रोध प्रतिशोध और हिंसा इत्यादि की उत्तेजना रही तब तक ब्रह्मर्षि नहीं कहा, और जब इन्होंने तलवार तोड़ के फेंक दी और उनके चरणों में प्रणत हो गए
कि हम तो आपकी हत्या करने आए थे और आप मेरे परोक्ष में मेरे तप की बड़ाई कर रहे हो, मैं अपराधी हूँ। बस उसी समय में आइए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कह करके हृदय से लगा लिया था वशिष्ठ जी ने। इन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने पुत्रों की हत्या हो गई इनके पुत्रों की मेरे द्वारा, फिर भी ब्रह्मर्षि कहने को तैयार नहीं हुए, आज अचानक ब्रह्मर्षि कैसे कहे। तो इन्होंने बताया वशिष्ठ जी ने कि अब तक आपने क्रोध प्रतिशोध हिंसा उत्तेजना इत्यादि, ये क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों का स्वभाव, इसलिए ऋषि कहने में कोई संकोच नहीं था, राज ऋषि कह सकते थे। ब्राह्मणों का ब्राह्मणोचित गुण तो क्षमा दयाशील इत्यादि है, आज आप में ये क्षमा दयाशील इत्यादि गुण आ गए, इसलिए अब हमें ब्रह्मर्षि कहने में कोई इतराज नहीं है। इस प्रकार से श्री विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कहला गए। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, जिनमें से 50 को इन्होंने शाप दे दिया था मलेच्छा भवत दुर्जनाः, और 50 को अपने उत्तराधिकार एवं भगवत तत्व प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। अब आगे वर्णन करते हैं, पुरुरवा के जो 6 पुत्र थे उर्वशी के गर्भ से, उनमें एक विजय का वंश तो आपने सुना। अब आगे के अध्याय में कहते हैं कि पुरुरवा के जो 6 पुत्र थे उनमें एक का नाम है आयु। आयु के श्री हरे नमः, आयु के नहुष क्षत्रवृद्ध रजी रंभ और अनिना, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से नहुष जो हुए बड़े प्रतापी धर्मात्मा राजा हुए, इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन अश्वमेध यज्ञ का जब फल मिला तो इनकी बुद्धि बिगड़ गई। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, इंद्र जहां तहां छिपे फिर रहे थे, तो उन दिनों में इंद्र का पद सुना न रहे, इसलिए कुछ दिनों के लिए कार्यवाही इंद्र के रूप में इनको वहां नियुक्त किया गया था। तो ये केवल इंद्र के राजकाज को संभालने के लिए ही नियुक्त हुए थे, और इनकी नियत इंद्राणी के प्रति बिगड़ गई। इंद्राणी घबराई, गुरु जी से कहा, गुरुदेव तो मेरे पास उपस्थित होना चाहते हैं। तो बृहस्पति जी ने कहा कि कह दो सप्त ऋषियों को पालकी में जोत कर उनकी पालकी में बैठ के आवे। कहा गुरु जी वो आ जाएंगे, उन्हें कोई हिचक झिझक नहीं। तो कहा कि बेटी सप्त ऋषियों का अपमान करके और कोई तेरे तक पहुंच ही नहीं सकता है। सप्त ऋषियों को पालकी में जोत करके ये नहुष जा रहे थे इंद्राणी तक। रास्ते में इन्हें आतुरता पड़ रही थी, सप्त ऋषियों को पालकी ढोने की आदत नहीं थी, वे मंथर गति से चल रहे थे और ये सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी बढ़ो कर रहे थे। ऋषियों को आया रोष, शाप दे दिया, सर्प सर्प कर रहा है। एक तो इंद्राणी के प्रति तेरी नियत बिगड़ी, दूसरे ऋषियों को तुमने अपमानित किया और सर्प सर्प कर रहा है, जा सर्प हो जा। वही पालकी में से ही गिर गए और सर्प हो गए। इनका उद्धार युधिष्ठिर जी के संस्पर्श से हुआ है, ये कथा महाभारत में वर्णित है। इन नहुष के 6 पुत्र थे, यति ययाति संजाति आयति वियति और कृति। इनमें ययाति का चरित्र विशद वर्णन है। ययाति बड़े धर्मात्मा राजा थे। श्री पद्म पुराण में वर्णन आया है कि ययाति के धार्मिक आचरण और धार्मिक राज्य व्यवस्था के कारण यमराज जी ने अपने दूतों को मना कर दिया था कि जहां तक ययाति का राज्य है उस सीमा के भीतर तुम लोग पांव मत रखना, क्योंकि ययाति जैसे धर्मात्मा के राजा राज्य में कोई अधार्मिक है ही नहीं। जब कोई अधार्मिक नहीं है तो वहां यमराज के दूत जाके क्या करेंगे। ऐसे धर्मात्मा राजा हुए हैं श्री ययाति जी महाराज। ये ययाति जी की 2 पत्नियां हुई, एक तो शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी और दूसरी दानवराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा। इन दोनों से 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई श्री ययाति जी को। देवयानी से यदु और तुर्वसु, इनमें यदु जी के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। और जो वृषपर्वा जो दानवराज की बेटी शर्मिष्ठा है, उससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, द्रोहियु अनु और पुरु।
ये शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर के आई थी, लेकिन राजा ययाति ने यह सोच करके कि ये भी राजा की बेटी है बिचारी, इसको दासी की तरह रख करके और उत्पीड़ित करना उचित नहीं है, उसके स्वरूप के अनुरूप इन्होंने उसे अपनी पत्नी का ही पद दिया। इस बात से नाराज होकर देवयानी ने अपने पिता श्री शुक्राचार्य जी से शिकायत कर दी। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया कि इसी उम्र में उस ययाति को बुढ़ापा ग्रस लेगी। जब इन्होंने अनुनय विनय करके क्षमा प्रार्थना की तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि जाओ, अगर कोई अपनी जवानी देकर तुम्हारी बुढ़ापा लेना मंजूर कर ले तो अदला बदली कर सकते हो, बाजार में तो कोई बैठा नहीं है जो मेरी जवानी ले लो और अपनी बुढ़ापा दे दो। इन्होंने अपने पुत्रों से कहा, पांच पुत्र थे, चार तो नट गए। जदु तुर्वसु द्रोहियु अनुचार नट गए। उनको शाप दे दिया कि तुम लोगों को और तुम्हारे वंशजों को राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं रहेगा। इस बात को याद रखिएगा आगे की कथा समझने में। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।